दुनिया में देखो, दुनियावी उलूम व फुनून जो हैं वो भी खाली किताब पढ़ करके आते नहीं। मेडिकल साइंस है, डॉक्टर कोई बनना चाहता है, डॉक्टरी की किताबें छपी हुई मौजूद है। एक आदमी बेहतरीन तौर तरीके से अंग्रेजी जबान जानता है तो वो यूं कहे, वो यूं दावा करे कि मैं मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ के जो है डॉक्टर बन जाऊंगा और लोगों का इलाज करूंगा। अगर वो इलाज करेगा तो कब्रिस्तान आबाद करेगा। किसी डॉक्टर की सोहबत में रहे बगैर जो वो खाली मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन सकते। बल्कि ये दूसरी जो जैसे कुकिंग है, यानी खाना पकाना एक फन है, तो खाना पकाने के सिलसिले में बाकायदा बेशुमार किताबें आपको जहाँ किताबें बिकती हैं दुकानों पर मिल जाएगी। फना उर्दू में फना दस्तरखान, फना दस्तरखान गुजराती में भी मिलती हैं। लेकिन अब कोई आदमी उन किताबों को खाली पढ़े, किसी बावर्ची की सोहबत उसने इख्तियार नहीं की, अकेला किताबें ला करके वो देख रहा है। उन किताबों से अगर वो अंदर बिरयानी का तरीका भी लिखा है, कौरमे का तरीका भी बना लिखा हुआ है, कौरमा बनाएगा तो कौरमा तो बनने वाला ही, पता नहीं क्या बन जाएगी। जब तक के किसी बावर्ची की सोहबत इख्तियार नहीं करे वहां तक ये पका नहीं पकता। भाई ये कपड़े सीने के फन के सिलसिले में, टेलरिंग के सिलसिले में बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी दुकानों पर से। कोई आदमी खाली उन किताबों को पढ़ के जो है दर्जी बनना चाहे, टेलर बनना चाहे, वो कपड़ा तो क्या सिएगा, काज बनाना भी नहीं आएगा उसे। इसके लिए जरूरत है कि सोहबत इख्तियार करे दर्जी की। तो गोया दुनिया के उलूम व फनून के अंदर भी खाली किताबें पढ़ने से वो इल्म और फन नहीं आता, बल्कि उस फन का जो जानने वाला है, माहिर है, उसकी सोहबत इख्तियार करो और उसकी तरबियत में रहो, तब ये चीज आएगी। उसके बाद किताबें पढ़ोगे तो किताबें आपको फायदा पहुंचाएगी, वरना खाली किताबों से नहीं। तो खाली कुरान पढ़ के कोई आदमी हिदायत के रास्ते पर चलना चाहे, नामुमकिन है। पैगंबरों की हिदायत के बगैर ये जो है हिदायत का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। जो लोग यूं कहते हैं कि भाई हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है, हम कुरान के तर्जमे हो गए हैं, तफसीरें हो गई हैं, हम खुद ही उन तर्जमों से और तफसीरों से कुरान समझ करके उसके मुताबिक अमल करके हम हिदायत का रास्ता पा लेंगे, नहीं पा सकते। यही तरीका है कि जिन्होंने, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उनकी सोहबत इख्तियार करो।